अगली खबर है यूपी की जौनपुर से, जहां आयकर की टीम देर शाम हुई वापस, 1,03,00,000 ले गई साथ। जी हां, खबर है यूपी के जौनपुर जिले से, जहां सागंज में भाजपा नेता ओम प्रकाश जायसवाल के घर आयकर विभाग द्वारा छापेमारी के मामले में 3 दिनों तक लगातार जांच के बाद देर शाम वापस गई। आयकर विभाग की टीम मीडिया से बिना कुछ बताए आयकर विभाग के लोग हुए रवाना। भाजपा नेता ओम प्रकाश जायसवाल ने जारी किया बयान, 1,03,00,000 रुपये ले गए आयकर वाले, जो रोटेशन का पैसा है, जिसे जल्द जांच के बाद वापस कर दिया जाएगा। साथ ही कोई कर चोरी का मामला जांच में नहीं आया है। देखिए जौनपुर से राकेश कुमार शर्मा की यह रिपोर्ट। इसमें कहीं न कहीं से ये प्रयास किया गया कि हम टैक्स की चोरी कर दें, लेकिन जो इस सर्च के बाद जो निष्कर्ष निकल के आया है, मुझे नहीं लगता है कि मेरे जितने भी संस्थानों पर जो छापेमारी हुई है कोई भी ऐसी चीज दिखलाई पड़ी है जिससे हम टैक्स के मतलब चोरी में हम कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो आज कहना मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, इनकम टैक्स जो है भारत सरकार की योजना है, और आयकर का पेमेंट अच्छी तरह से हो, ईमानदारी से हो, क्योंकि मैं राजनीति में हूँ, भारतीय जनता पार्टी का काज करता हूँ, ये मैं भी चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी दोनों का एकमात्र विचार यही है कि ईमानदार स्वच्छ छवि का मतदाता ईमानदारी के साथ टैक्स पे करे, और जो बेईमानी करने वाला, टैक्स चोरी करने वाला है, उसके साथ कड़ी कार्रवाई। तो आज मुझे खुशी है कि इस सर्च के बाद मुझे संतुष्टि है, और जो भी सर्च किया गया है उसमें कहीं से नहीं दिखलाई पड़ता है कि मैंने किसी स्तर पर कोई टैक्स का बचाव किया है। दस्तावेज भी ले गए हैं टीम? दस्तावेज कोई नहीं ले गए हैं, वो जो भी हमारे दस्तावेज हैं अब वो सर्च किए हैं, उसका अन्वेषण का मतलब वो नंबर वगैरह सब ले गए हैं, जो कि एक नंबर में है। और जैसे मैं जो भी पेपर्स गए हैं वो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स के नॉर्मल प्रोसीडिंग्स के दौरान गए हैं। जरूरती पड़ती है सूचना मिलेगी कुछ जेवरात की, जेवरात सब हमारे जो है अंडर लिमिट है, मेरे जेवरात कहीं कुछ नहीं गए, कहीं कुछ नहीं गए, जेवरात कुछ नहीं है, सारे 1% नहीं गए हैं, सारे जेवरात वो नोट करके मुझे वापस कर दिए, सब अंडर लिमिट कैश में, जैसे 1,03,00,000। हाँ, 1,03,00,000 जो कैश व्यापारी गतिविधियों का जो ऑफिस कार्यालय है वो प्राप्त हुआ है, और वो रोटेशन मनी है, जैसे फ्लोर मिल में है, मैं शराब का भी काम करता हूँ, तो रोटेशन मनी है और वो गया है, और हाँ बहुत जल्द उसको बुक्स में दिखा के बहुत जल्द वो कार्रवाई की बात, कार्रवाई बात। टीम में कोई गंभीर सवाल जिसे पूछे होता था? ऐसा कोई गंभीर सवाल नहीं था टीम में, ऐसा कोई गंभीर जब सर्च में मिला नहीं तो गंभीर सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। तो आपके भतीजे सुजीत जायसवाल, उनके यहाँ छापेमारी, अब उनके यहाँ छापेमारी हुई है उसकी, तो चूँकि हम तो यहीं भी जीते इसलिए मुझे जानकारी नहीं है कि क्या मिला है, क्या उन्होंने बयान दिया है, हैं और क्या किए हैं। तो उनका वो अपना अलग से इनकम टैक्स दाखिल करते हैं और उसकी जानकारी हम करते हैं। आपके कारोबार से उनसे कोई मतलब नहीं? हमारे कारोबार से उसका कोई मतलब नहीं, हमारे कारोबार से कोई मतलब नहीं, न कहीं मेरे पार्टनर हैं न कोई डायरेक्टर।